प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड और पबजी, ये एक ऐसा गेम है जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट सारे बंदे खेलते हैं। एंड इफ यू आर वन ऑफ देम देन आपको पता ही होगा कि ये गेम कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में कितना लैग करता है, अनलेस यू हैव ए वन प्लस 7 प्रो। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पबजी मोबाइल के इस लैगिंग प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स कर पाओगे ऑन एनी एंड्रॉयड डिवाइस। एंड बाई मीनिंग एनी, 2GB रैम वाले फोन में भी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे फॉर अ परमानेंट टाइम ऑफ पीरियड। PUBG मोबाइल के लैगिंग इशू को फिक्स करने से पहले यू शुड नो कि आपके डिवाइस में ये लैग आखिर होता क्यों है, जान लो तो बेटर है वरना बाद में मैं नहीं बताऊंगा। अभी इस लैग को फिक्स करने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट वन इज द इन गेम ऑप्टिमाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इन डिवाइस सेटिंग्स मॉडिफिकेशन। बट उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड आप इस शक्ल को पहली दफा देख रहे हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज दीपांजन और यू कैन कॉल मी DS। सबसे पहले हम फिक्स करेंगे PUBG मोबाइल के इन गेम प्रॉब्लम्स को एंड उसके बाद हम चेंज करेंगे डिवाइस के सेटिंग्स। सो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में PUBG मोबाइल को ओपन कर लेना है एंड ब्राउज करना है अपने सेटिंग सेक्शन के ग्राफिक्स पार्ट में। सो उसमें आपको सबसे पहले आपका जो डिफॉल्ट ग्राफिक्स का सेटिंग्स है, लाइक हाई, लो या फिर जो भी है, उसको आपको चेंज करना है लो पे। एंड उसके बाद जो फ्रेम रेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है एक्सट्रीम या फिर अल्ट्रा पे, डिपेंडिंग ऑन योर फोन कैपेसिटी। नाउ आपको एंटी एलियसिंग का जो पार्ट है उसको भी डिजेबल कर देना है एंड उसके बाद शेडो डिटेल्स का जो सेक्शन है उसको भी आपको डिजेबल कर देना है। बहुत सारे लोग एंटी एलियसिंग को तो ऑफ करते हैं बट शेडोज का जो पार्ट है उसको डिजेबल करना भूल जाता है एंड फॉर दैट रीजन सारे सेटिंग्स को चेंज करने के बाद भी उनका डिवाइस लैग करता रहता है। सो मेक श्योर टू डू इट करेक्टली। लास्टली, PUBG मोबाइल में जो इन गेम ब्राइटनेस है उसको आपको चेंज करना है फ्रॉम 100 टू 110 और 120 डिपेंडिंग ऑन योर आई शाइट। नाउ बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते एंड आपको ये करना है बिकॉज आपने पहले ही ग्राफिक्स का जो पार्ट है उसको लो किया है एंड फॉर दैट रीजन आपको शायद दूर के बंदे स्पॉट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बट ब्राइटनेस को जब आप इंक्रीज करोगे तो ग्राफिक्स का सेटिंग कोई भी हो, दूर के कोई भी बंदे आपको आसानी से दिख जाएंगे। सो अगर आप कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हो ऑन ए लो एंड डिवाइस, सो तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दूर के कोई भी बंदे को स्पॉट करके किल करने में। एंड फाइनली, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स का जो सेक्शन है उसको भी आपको डिसेबल कर देना है एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। इन गेम सेटिंग्स तो हमने फिक्स कर दिया बट नाउ वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर डिवाइस फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। सो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स को ओपन करना है एंड ओपन करना है डेवलपर ऑप्शंस को। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, उसमें टैप कीजिए एंड चेंज कीजिए डिफॉल्ट से लेके गेम ड्राइवर पे। What this will actually do, आपके फोन पे जो डेडिकेटेड GPU है उसको ये ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा फॉर योर गेमिंग एक्सपीरियंस। लाइक जब भी आप कोई भी गेम खेलोगे लाइक PUBG, तब ऑटोमेटिकली आपके CPU को हटा के ये GPU को यूज करेगा फॉर अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा 4x MSAA, उसको भी आप इनेबल कर दीजिए। दैट विल इनेबल दी गूगल GL सपोर्ट एंड उसके नीचे GPU प्रोफाइल रेंडरिंग का भी आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, उसको भी इनेबल कर दीजिए। ये सारे चेंजेस करने के बाद जब आप PUBG को ओपन करोगे तो आप देख पाओगे आपके PUBG गेमिंग में एक ड्रेस्टिक चेंज आ चुका है। बट वेट, अगर आपके पास 2GB या फिर 4GB रैम वाला भी डिवाइस है उसके लिए मेरे पास और भी कई ऑप्शंस है जिसको इनेबल करने के बाद आप आराम से 60fps का गेमिंग एक्सपीरियंस लूप कर सकते हो आपके 2GB रैम के फोन में भी। सो उसके लिए आपको फिर से जाना है डेवलपर ऑप्शन में एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है ऐप्स के सेक्शन में। वहाँ पे आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगा जहाँ पे लिखा होगा डोंट कीप एक्टिविटीज। सो उसमें जाके आप उसको इनेबल कर दीजिए एंड व्हाट दैट विल डू इज आपके फोन में जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस होता होगा वो ऑटोमेटिकली ये किल कर देगा नो मैटर व्हाट यू आर एक्चुअली रनिंग। सो अगर आप PUBG को ओपन करते हो सो ये ऑटोमेटिकली अपने डिवाइस में सिर्फ PUBG के लिए रैम एंड GPU को ये इनेबल करके रखेगा बट बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा फॉर योर बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद बैकग्राउंड लिमिट प्रोसेस का जो सेक्शन दिख रहा है उसको भी स्टैंडर्ड से सिलेक्ट कर दीजिए नन पे। सो ये दोनों ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको बैकग्राउंड में कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन या फिर कोई भी अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको रन होते हुए नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शंस में ही ऊपर स्क्रॉल करना है एंड आ जाना है ड्राइंग्स के पार्ट में। उसमें जाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा विंडोज स्केल एनिमेशन, ट्रांजिशन स्केल एनिमेशन एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन स्केल।
सब में आपको 1x करके प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा, बट आपको क्या करना है, उन सबको 1x से चेंज करना है ऑफ पे। सो ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद आप देख पाओगे आपके गेमिंग परफॉर्मेंस एंड डिवाइस का जो परफॉर्मेंस होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा रेदर देन द प्रीवियस वन। जीपीयू रेंडरिंग्स को इनेबल करने के बाद अगर आपके डिवाइस के बैटरी में कोई भी चेंज होता है और ये सारे सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, प्यारा है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।